Hi guys, welcome to my channel. My name is Sapna and welcome to another vlog video. आप सब vlog videos बहुत पसंद करते हैं और सच बताओ guys तो मुझे भी vlog videos बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपनी हर vlog video में कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी life से related, अपने experiences से related, अपनी गलतियों से सीखी हुई चीज़ों से related आपसे कुछ ना कुछ share करूँ. पिछली व्लॉग वीडियो मैंने करी थी अपने बेटे का रूम ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमने उसकी बुक्स, स्टेशनरी, टॉयज सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चेक करो, मम्मीज आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो. और उसमें मैंने पेरेंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर की थी, तो ज़रूर चेक करिएगा. कभी मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बात करती हूँ. तो आज की वीडियो में बेसिकली क्या है कि एक व्लॉग वीडियो है, अ डे इन माई लाइफ है, लेकिन कुछ स्पेशल है आज के वीडियो में. आज ट्यूजडे है, हो सकता है ये वीडियो आप ट्यूजडे को ना देख रहे हो, किसी और दिन ये अपलोड हो, बट ट्यूजडे मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है अब, क्योंकि ट्यूजडे मेरा ऑफ डे होता है. किस चीज़ से ऑफ डे होता है? मेरे पार्लर से. अगर आपको नहीं पता तो गुड़गांव सेक्टर 86 में अभी मैंने अपना सैलून खोला है कुछ 3-4 मंथ्स बैक. ये मेरा सालों से ड्रीम था कि मेरा एक सैलून हो, क्योंकि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग कर रही थी काफ़ी टाइम से. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ सैलून एंड ट्यूजडे अब मेरा ऑफ डे होता है, तो हफ्ते में एक दिन मुझे मिलता है अपने लिए. तो मैं कैसे उस दिन को यूटिलाइज करती हूँ और क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं कोशिश करके इनकॉर्पोरेट करती हूँ, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, तो आज मैं उसे शेयर करूँगी, आपको पूरा दिन दिखाऊँगी. और या ऑफ कोर्स आज के दिन में अरव भी होगा मेरा बेटा, तो पूरी कोशिश है कि मैं उसके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ. तो सब कुछ होगा आज के वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ. तो गाइज, आज ट्यूसडे है और मेरी आज कुकिंग से काइंड ऑफ छुट्टी है, तो मैंने ब्रेकफास्ट में पाव भाजी मंगवाई है हल्दीराम की. तो अभी बस हम पाव भाजी खाएंगे और मेरी फेवरेट चाय. ये तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को रिलैक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है और आज मैं आपसे यही शेयर करूँगी. तो चलिए, नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा वापस आती हूँ. ओके गाइज, सो मस्त पाव भाजी खा चुकी हूँ मैं. यम, इट वॉज़ सो गुड. एंड पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है. और अब पाव भाजी खा के थोड़ा सा ब्रेक लेके अब मैं नहाऊंगी. एक्चुअली आज मैं सब कुछ उल्टा कर रही हूँ और इसी के ही बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी. तो 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनिए, शायद आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे. सो बहुत सालों तक जो मेरी टेंडेंसी थी वो ये थी, स्पेशली आफ्टर मैरिज, आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, कि मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठ के मुझे सारे यू नो, काम ख़त्म करने हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ड्यूटी मेरी है. तो इसमें कुछ गलत नहीं है सोचना, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन. पहले मैं फुल टाइम जॉब में थी, फिर मैंने एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम करना शुरू किया, फिर उसकी ट्रैवलिंग शुरू हो गई, फिर यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग हुई, अब मेरा सैलून है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मेरा बेटा है, तो मुझे उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है. तो इतनी सब चीज़ों को संभालते संभालते और घर की चीज़ों को संभालते संभालते हुआ क्या कि इट टुक अ टोल ऑन माय हेल्थ. तो नथिंग मेजर, नथिंग सीरियस, बट हाँ, चीज़ें शुरू होने लगी. सो फ्रीक्वेंट हेडेक्स हैं, बैक की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसीज हो गई. तो ये सब इसलिए हुआ बिकॉज मैं, शायद मेरी कुछ ऐसी नेचर भी है और हम लोगों की ना एक 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 सोशल कंडीशनिंग भी होती है कि एज अ वुमन स्पेशली यू नो, आपको कई बार ना ऐसा गिल्टी फील कराया जाता है या आप खुद ही करने लगते हो कि अगर मैं लेट उठी तो ओह गॉड, आज मैं बहुत लेट हो गई, ये मतलब मुझे गिल्टी फील हो रहा है, सॉरी मैंने आज खाना नहीं बनाया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है. ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट अगर एक फैमिली में आप रहते हो तो हर फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इक्वली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करे रादर दैन किसी एक के ऊपर डाले. लकीली माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव दैट वे, बहुत मिलकर हम सब कुछ करते हैं, काम करते हैं. और ये मेरी अपनी ही प्रॉब्लम थी कि मुझे इस तरह से चीज़ों को मैंने हमेशा समझा कि ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही करना है. बट अब मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और अगर मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करनी हो तो मुझे गिल्टी फील होना चाहिए, बिकॉज मेरे से इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, मेरे पर डिपेंडेंट हैं. तो अगर मैं ही हेल्दी नहीं हूँ, मैं ही हैप्पी नहीं हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो गाइज, बस यही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, कि अपनी हेल्थ को अगर हम प्रायोरिटी दें, अपनी चीज़ों को अगर हम प्रायोरिटी दें, खुद को दें, तो उसमें गिल्टी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मैं ऐसा सोचती थी हमेशा कि मैं लेट उठी या मैंने कुछ सर्टेन काम नहीं किया,
या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो आई शुड फील गिल्टी अबाउट इट, आई शुड फील बैड अबाउट इट, विच वॉज सो रॉन्ग. सो एक फैमिली में सबको मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो बैठिए, बैठ के बात कीजिए, हैव प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन. बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन, कि हम सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको समझें, बिकॉज हर इंसान को ब्रेक चाहिए अपने लिए. और यू नो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ दैट स्पेस, दैट टाइम, एंड डोंट फील गिल्टी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो हाँ, थोड़ा सा चलता रहेगा ये हमारा इंटरेक्शन. मुझे आप लोगों के साथ बातें करना, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है. और बस अब मैं थोड़ा सा जाके नहा लेती हूँ. एक वीडियो और बना रही हूँ यूट्यूब पे, एथेरियल एथनिक विद सपना, एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जो एथनिक वेयर से रिलेटेड है. मैंने अभी एथनिक वेयर पर तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई अपने चैनल पर, बट ये एक सीरीज़ है जहाँ मैं एक्सक्लूसिव लुक्स दिखाती हूँ. तो आज एक वो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी. आई होप आपको पसंद आएगी, क्योंकि वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं सीरीज़ की. सो बस वो है, उसके बाद अरब के साथ थोड़ी सी आउटिंग है, उसके बारे में आपको बताऊंगी, और फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, इंटरेक्शन होगा. तो मैं जाके नहा लेती हूँ फटाफट. आई विल सी यू गाइस, टेक केयर. हाय यू गाइस, आई एम बैक, अच्छा सा शावर लेके और फुल फ्लेज्ड रेडी होके. मैंने एक साड़ी पहनी है गाइस, और इसी के ही ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. तो शायद आप अब तक ये वीडियो देख चुके होंगे, बिकॉज इस व्लॉग वीडियो से पहले ये साड़ी वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी इथेरियल एथनिक विद सपना के एपिसोड्स में या उसकी सीरीज में. सो यही मैं बात कर रही थी कि एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है इथेरियल एथनिक विद सपना, जहाँ पे मैं एक एथनिक लुक के बारे में आपको दिखाती हूँ, उसके बारे में शेयर करती हूँ और स्टाइलिंग टिप्स शेयर करती हूँ. सो अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया है, प्लीज डू चेक. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कहीं लेफ्ट राइट राइट आपका राइट पे डाल दूंगी. और बस अभी वीडियो शूट करने वाली हूँ मैं, उसके बाद अरव एंड आई विल बी गोइंग आउट फॉर अ लिटिल मामा बेबी टाइम, दैट्स व्हाट वी कॉल इट. सो कोविड है आई नो, बट वी कांट स्टॉप लिविंग आवर लाइव्स. सो थोड़ा सा छोटा मोटा हम एक आसपास कहीं हो जाते हैं, तो अभी एक डेढ़ घंटे के लिए वी विल गो, एंड द आइडिया इज टू जस्ट स्पेंड सम मी टाइम विद हिम, एंड लाइक इट्स मी टाइम एंड हिज टाइम एंड मी टाइम टुगेदर विद हिम. तो वो मेरा प्लान है. तो दिस इज लाइक हाउ आई बैलेंस थिंग्स इन लाइफ. इफ आई एम वेरी बिजी, आई रियली रियली ट्राई एंड टेक आउट टाइम फॉर अरव, क्योंकि वो मिस करता है, मुझे पता है. बट एज आई सेड, मैं अब गिल्टी फील नहीं करती कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया. मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, और अरव को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मम्मा के भी कुछ एस्पिरेशंस हैं, एंड ज़रूरी है मम्मा के लिए भी काम करना, और ही शुड ऑल्सो लर्न टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट. बट ऑफकोर्स यू ऑलवेज हैव टू कीप एन आई ऑन योर किड्स, आप उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते. एंड माई हस्बैंड इज ऑलवेज होम, ही वर्क्स फ्रॉम होम, तो मेरे लिए मैनेजेबल हो जाता है उस तरह से. सो हाँ, बट ये कि जो गिल्ट फैक्टर पहले आता था, वो अब मुझे ऐसा नहीं आता कि मैंने टाइम नहीं दिया. इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दीज काइंड ऑफ यू नो डेज विद हिम, वेर आई एम टोटली फ्री फॉर हिम, एंड वी गो आउट और वी जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर. लाइक परसों हमने 3-4 घंटे बैठ के टीवी देखा, किड्स सीरीज वॉच की, विच वॉज रियली रियली अमेजिंग, मज़ा आया. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम kids you know movies ya series dekhe together. so that is something which I do with him pretty often. aur bas to hum jayenge, wapas aayenge, aur fir wapas aake aapko main dobara se milungi. ab main jaati hu apni video record karti hu, to ye zarur check kariyega. it's a beautiful sari that I'm wearing, it's a stunning look, aapko bahut pasand aayega. Hi guys, look who's here. Hello. तो अब अरब और मैं जा रहे हैं अपनी छोटी सी एक आउटिंग के लिए, एंड माई शूट इज डन एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. अब ऑल द टाइम फॉर दिस लिटिल चैम्प, एंड हमें जल्दी भी आना है बिकॉज अरब की क्लास भी है 4:00, और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ डू वॉच इट. एंड चलो अब हम चलते हैं, एंड वी विल सी यू गाइज आफ्टर वी आर बैक. Hey guys, so these are the Wow Kids range 3-in-1, and the packaging looks superb. They have superheroes on them like Batman, like Superman. Aquaman, and I've been using them for over a year. I don't need to use three separate things.
separate conditioner, separate shampoo, separate soap. I don't need to do that. I can just use these. And these make my skin super soft, my hair super smooth and silky. And I never feel sweaty with these. These are superb to give to your friends and these are 100% natural. Some are peach, like fruits and vegetables basically. Sorry, fruits and plants basically. And these are 100% pure. I'm planning to gift some of these to my friends. But I won't give all because they are so nice to use. Just look at this color and texture. You can't get these in any packaging. You like the packaging? Yes. Wow is wow. Wow is wow. Absolutely. So guys, ये देखो कितना सुंदर packaging है. So cool. And मैंने अरब को बोला है कि इसको अपने friends को भी gift कर सकता है. It is a great gifting idea. एकदम pure हैं ये products. हम लोग 1.5 साल से use कर रहे हैं wow के यही 3-in-1 wash अरब के लिए. और अब ये नई cooler packaging में और सारे मज़ेदार flavors में आया है. And ज़रूर इसको try कीजिए. Guys, as a mommy, मैं आपको ये strongly recommend करती हूँ. तो गाइज़ आपने देखा मॉमीज़ की किस तरह से अरव और मैं इतना पसंद करते हैं वाओ के इस किड्स रेंज को. मैंने पिछले वीडियो में वाओ के बॉडी लोशन दिखाए थे और अब ये 3-in-1 वॉश जो कि है शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश ऑल इन वन की नई रेंज आई है. हम लोग 1.5-2 साल से ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और मैं टोटली सैटिस्फाइड हूँ. 100% सेफ और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. आप एक और काम कर सकते हैं कि आप वाओ की पैकेजिंग पे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, उसकी सारी डिटेल्स, बेनिफिट, कंटेंट्स सब के बारे में पता चलेगा. ये प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. आप वाओ की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको वाओ के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है, एक एक प्रोडक्ट वाओ का वहां अवेलेबल है और डिस्काउंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे. और ये जो 3-in-1 मैंने आपको दिखाया है ये नॉन एलर्जिक है, 100% नेचुरल है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है. 3+ के एज के बच्चों के लिए आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं. तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस. टाइमिंग बढ़िया मैच किया. टाइमिंग ओके गाइस, हाय, वी आर बैक अगेन. हमारा डिनर हो चुका है, हमारे सारे काम हो चुके हैं और हम सोने वाले हैं. और जो वाओ के मैंने आपको किड्स प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एज अ मॉमी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. हम दोनों को बहुत पसंद है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सेफ, नेचुरल, इफेक्टिव. उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डू चेक इट आउट. और उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. मेरा एक सिंपल सा डे था. हाँ, बीच में मैं थोड़ा गई थी शूट का सामान लाई थी, आउटफिट्स, ज्वेलरी वगैरह, तो वो वापस करने गई थी. एंड मेरी एक फ्रेंड मिली तो थोड़ी देर हम बैठ गए वहाँ पे. सो बस वो करके मैं शाम को घर आई एंड उसके बाद आई हैड टू डू सम वर्क रिलेटेड टू द शूट्स ओनली, पिक्चर्स एंड ऑल, डेटा ट्रांसफर एंड ऑल ऑफ दैट. बस वो किया, डिनर किया एंड आज टीवी नहीं देखूंगी बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 11, सो इट्स टाइम टू स्लीप. एंड यस, बस जो मैंने आज आपको एक चीज़ बताई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए. अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को, चॉइसिस को प्रायोरिटी दीजिए. गिल्टी फील करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डूइंग गुड टू योर सेल्फ यू विल डू गुड टू अदर्स एज वेल. हमेशा ध्यान रखना. एंड एज अ मदर कहते हैं हैप्पी मॉम्स इज इक्वल टू हैप्पी किड्स. तो इफ यू आर अ मदर स्टे हैप्पी, फॉर दैट मैटर एनी पर्सन हैव टू स्टे हैप्पी. और कई चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, हम फील करते हैं उनके बारे में, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बट ठीक है, खुद को थोड़ा चेंज कर लें बेटर है, खुद को बिज़ी कर ले बेटर है. कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें जो आपको अच्छी लगती हैं करनी बिज़ी रहने के लिए. बस वही है, माइंड को जितना बिज़ी रखोगे, ऑक्यूपाइड रखोगे अच्छा रहेगा. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप डेली लाइफ में. और बस यही है आज का वीडियो और आज का ज्ञान. तो गाइज अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे न्यू वीडियो के साथ. तो बने रहिएगा और इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, comment, share and hit the bell icon so that you're notified. Good night.